गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाली है आलू की सूखी भाजी, जिसे हम अलग तरीके से बनाएंगे। वैसे तो आगे मैंने बहुत सारी अलग अलग सूखी भाजी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। सब्जी ड्राई है तो साथ में हम हेल्दी सूप बनाएंगे, तो इसके लिए मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब हम बनाने की शुरुआत करेंगे। और मैं जितने भी एप्रन, रोटी मैट, रोटी बास्केट और नैपकिन यूज कर रही हूँ, वो सब फ्लोरिना ब्रांड का है। इसका कलर और मटेरियल बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी अलग अलग कलर और डिज़ाइन है। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो। तो कुकर में मैंने 1/4 कप जितनी मूंग दाल ली है और इसे अच्छे से धो लिया है और इसमें मैंने पर्याप्त पानी डाल दिया है। अब उसी के साथ हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने पत्ता गोभी, टमाटर, बीट और गाजर लिया है, तो वो भी ऐड करेंगे। और उसी के साथ हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम 2 से 3 विसल होने तक पका लेंगे। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरी चाय के बारे में पूछा है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं कौन सी चाय पत्ती यूज करती हूँ, और ये हिल्ट्री प्रीमियम टी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने वो वाली यूज की थी, आज मैं हिल्ट्री मसाला टी यूज करूंगी। तो इसमें हमें अलग से मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हिल्ट्री में एक अच्छा सा ऑफर भी चल रहा है, अगर हम 500 ग्राम चाय पत्ती लेंगे तो हमें 250 ग्राम चाय पत्ती फ्री मिलेगी। तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो आसानी से ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये है हिल्ट्री मसाला टी। तो चाय उबल रही है, तब तक हम सब्जी बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मेरी चाय भी उबल गई है और इसमें मसालों की स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच घी लिया है। और आलू की सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर लिया है, जिसका हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो ये सभी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी बची थी जो फ्रीज में पड़ी थी, इसका मैंने आज यूज़ किया है। घी गर्म हो जाए तो राई ऐड करेंगे और जीरा। राई चटक जाए तो इसमें हींग ऐड करेंगे। अदरक मिर्ची की पेस्ट और करी पत्ता भी डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे। अब उसी के साथ हम सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। और सब्जियों के जितना नमक ऐड करेंगे। अब सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। और सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्रंच सब्जी में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो उसी के साथ हम थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला ऐड करेंगे और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले इसमें भुन जाए। अब उसी के साथ हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और आलू के जितना नमक भी ऐड करेंगे। तो अब सब्जी को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी रेडी है। तो गैस बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से बनाई गई आलू की सूखी भाजी थेपला के साथ या पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो भाजी हमारी रेडी है, तो यहाँ पर हम सूप को भी देख लेंगे। अब सूप को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो सूप में हमने थोड़ा सा बीट ऐड किया था, तो कलर भी बहुत अच्छा बना है। अब सूप कितना गाढ़ा या पतला चाहिए उसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने सूप को छाना नहीं है और इसको छानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब सूप में हम एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच जितना घी लिया है। घी गर्म हो जाए तो दालचीनी और लौंग ऐड करेंगे। अगर जीरा पसंद हो तो थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हो। अब इस तड़का को हम सूप के साथ ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और आप चाहे तो ऊपर से इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हो। अब सूप में एक उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हेल्दी टेस्टी सूप रेडी है। और इस तरह से बनाया गया सूप बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो या फिर प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हो। और साथ में मैंने बनाया है थेपला। और थेपला को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं।
और इसका हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और ये है आलू की मज़ेदार सब्जी, और ये है हेल्दी टेस्टी सूप। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।